Hello everyone, welcome to Stepping Success and you are listening to Ghazal Rohila. As you all know, CTET के forms निकले हुए हैं और ये निकले थे 5 फरवरी 2019 को, एक महीना हो चुका है और आज डेट है 5 मार्च 2019, तो आज लास्ट डे है फॉर्म फिल करने का. तो अगर किसी फ्रेंड ने फॉर्म फिल नहीं किया हो तो वो आज भी कर ले 5 बजे से पहले शाम को. और ज़रूरी भी है ये फॉर्म फिल करना अगर आपका क्वालिफाइड नहीं है सीटेट और आगे आप किसी टीचिंग जॉब के लिए जाना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, तो DSSS हो या KVS हो या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब है तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए. मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है. तो अगर आपने फिल नहीं किया है तो आज ज़रूर कर लें और अगर क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जैसे आप थंबनेल पढ़ चुके होंगे मेरा, शेयर करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज. तो यहाँ पे मैं और हम ऐसे टीचर नहीं रहेंगे, यहाँ पे हम एज अ स्टूडेंट ही आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए कि हमें 120 प्लस मार्क्स मिले हैं, तो वो स्ट्रेटजीज हम आपके साथ शेयर करेंगे. और अगर आपको वो स्ट्रेटजीज पसंद आती हैं और उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल. आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो सीटेट का थोड़े से नॉलेज होना ज़रूरी है कि टोटल कितने मार्क्स होते हैं. टोटल होते हैं 150 मार्क्स और इसमें 150 ही क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच होता है और टाइम होता है इसके लिए 2.5 आवर. 5 पार्ट्स में फ्रेंड्स ये वाला पेपर जो है वो डिवाइडेड होता है. फर्स्ट हो गया कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी वाला पोर्शन होता है 30 मार्क्स का. मैथमेटिक्स हो गया 30 मार्क्स का. एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया 30 मार्क्स का. लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 है. लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 यहाँ बात की जा रही है हिंदी और इंग्लिश की, तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो है वो चूज़ कर सकते हैं. अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो लैंग्वेज 1 को आप हिंदी चूज़ करें और अगर आप इंग्लिश को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो इंग्लिश चूज़ करें लेवल 1. डिफरेंट इतना कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है. लैंग्वेज 1 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, लैंग्वेज 2 को थोड़ा सा ईजी रखते हैं. पैटर्न वही रहता है कि हाँ 2 पैसेजेस आएंगे, प्रोज का आएगा, 1 पोएम का आएगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और एक ग्रामर पूछ लेते हैं, पेडागॉजी आती है. तो वो डिफ़र करता है सिर्फ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी. तो ये आप अपने हिसाब से देखें कि लैंग्वेज 1 आपको क्या चूज़ करनी है. ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आप पार्ट्स होते हैं. अब इन पार्ट्स में पूछा क्या जाता है वो देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का. ये टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और 30 ही मार्क्स का ये पेपर होता है. तो फ्रेंड्स, एक और बात कि हम इस जो है चैनल पर मिनिमम एंड मैंडेटरी चीज़ों को पढ़ेंगे. हम ऐसा कुछ वास्ट सिलेबस नहीं लेकर बैठेंगे. मिनिमम एंड मैंडेटरी से मेरा मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें. देखो, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, हम कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से कि हाँ उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए तो मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं होगा. 90 मार्क्स लाने हैं, चाहे आप 91 ले आए या 95 ला रहे हैं, 100 ला रहे हैं, 120 ला रहे हैं या 150 ला रहे हैं, तो आपको पेपर क्वालिफाई करना है. कोई इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं. तो हम ऐसी चीज़ पढ़ें जो हमें पेपर को क्वालिफाई करने में हेल्प करें. एज अ स्टूडेंट मैंने भी यही मान के चली थी कि हाँ ठीक है, मुझे ये पेपर क्वालिफाई करना है और इसी क्या क्या चीज़ें पढ़ूँ कि मैं ये पेपर क्वालिफाई हो जाए. तो वही हम करेंगे. तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में अगर हम देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके अंडर जो टॉपिक्स आ रहे हैं, फर्स्ट है डेवलपमेंट एंड लर्निंग. डेवलपमेंट एंड लर्निंग में आएगा कंसेप्ट. डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके प्रिंसिपल्स, मीनिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी. ये जो चीज़ें हैं इनके लिए आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में वीडियोज़ जो हम डालेंगे. तो आगे है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बहुत ही मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनकर आते हैं. असेसमेंट एंड इवेल्युएशन भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. असेसमेंट में जो चीज़ें आती हैं कि असेसमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंस क्या होता है, असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, कौन कौन से तरीके असेसमेंट ऑफ इवेल्युएशन, फॉर इवेल्युएशन, इन इवेल्युएशन, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सब चीज़ें. और इवेल्युएशन जो होता है, इवेल्युएशन में CC ही मेन रहता है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की जब हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन पर भी क्वेश्चंस बनकर आते हैं. जेंडर रोल एंड जेंडर बायस, ये भी बहुत मेन है. सोशलाइजेशन वाला पोर्शन यहाँ आ जाता है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, छोटा सा हम कहने को टॉपिक है बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत जो है ज़रूरी टॉपिक है, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा. तो आगे देखते हैं और क्या है इसमें.
कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात हम करेंगे. इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत मेन टॉपिक है, इसमें आ जाते हैं डिप्राइव्ड चिल्ड्रन या फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स वगैरह, लर्निंग डिफिकल्टीज जो भी हमारे ऑटिज्म है, अफेजिया वगैरह सारे, मतलब जो भी इसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बात करते हैं. पीडब्ल्यू एक्ट जो कि काफ़ी मेन रहता है उसकी भी बात हम करेंगे. पीडब्ल्यू एक्ट में पीडब्ल्यूडी इज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ये भी काफ़ी मेन रहता है, तो इसको भी प्रिपेयर हमें करना पड़ेगा. लर्निंग एंड पेडागॉजी, तो बाद में हम बात करेंगे पेडागॉजी की भी. तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी भी काफ़ी मेन रहता है कि क्या टीचिंग, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे हमें क्या टीचिंग स्ट्रेटजी या कौन सी अप्रोच यूज़ करनी होगी. प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाता है ये भी, तो हम प्रिपेयर करेंगे इसे भी. लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑफ दिस पार्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. फ्रेंड्स 3 to 5 क्वेश्चन हर बार NCF से देखने को मिलते हैं, तो इसको तो हम प्रिपेयर करके जाएंगे ही जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज पार्ट टू. पार्ट वन में वही था, पार्ट टू में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, जो कि 30 क्वेश्चंस और 1 marks ईच क्वेश्चन जो होता है, 30 ही मार्क्स का पेपर होता है पोर्शन जो है ये. तो यहाँ पर बात करेंगे हम पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की. 2 parts में डिवाइडेड होता है फ्रेंड्स ये. पेडागॉजी जो होती है वो 15 marks की आती है, और क्वेश्चंस जो होते हैं वो 15 marks के आते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं. तो पेडागॉजी की बात हम करें तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है पोजिशन पेपर. जैसे NCERT ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज जो है पोजिशन पेपर्स बनाए हुए हैं जिसमें हमें सारा का सारा पेडागॉजी कंटेंट मिल जाएगा, तो वो हम ज़रूर पढ़कर जाएंगे. पोजिशन पेपर में से ही आते हैं जो 15 mark का आता है, तो उसी में नेचर हो जाता है, अप्रोचेस, मतलब जो भी मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें, वो सारा हम पोजिशन पेपर में कवर करके जाएंगे. डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग भी बहुत मैटर करती है जब हम मैथ्स की बात करते हैं, रिमेडियल टीचिंग की. हाँ, बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया क्वेश्चन, आप उसको कैसे रिमेडियल प्रोवाइड करेंगे कि हाँ वो ठीक कर पाए क्वेश्चन को. तो ये एक चीज़ हो गई. दूसरा है कि क्वेश्चंस, तो ये जो है आपके अरिथमेटिक के, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो भी आपके खुद की, मतलब खुद सॉल्व करने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी हम प्रिपेयर करेंगे. ये हो गया मैथ्स के पोर्शन की बात. आगे देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि टोटल 30 marks का होगा और 30 ही क्वेश्चंस होंगे उसमें. ये भी 2 parts में डिवाइडेड है. फर्स्ट है पेडागॉजी ऑफ EVS एंड सेकेंड इज कंटेंट. पेडागॉजी 15 marks के लिए एंड कंटेंट ऑल्सो ऑफ 15 marks. तो पेडागॉजी में भी इसमें हम पोजिशन पेपर की बात करेंगे EVS की, इसमें हमें सब पता चल जाएगा कि हाँ EVS एज अ सेपरेट सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, फर्स्ट और सेकंड में EVS एक सेपरेट सब्जेक्ट ना होकर इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है, क्यों होता है, इसका क्या स्कोप है, कंसेप्ट क्या है EVS का, एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो ये सारी चीज़ें हम, इसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो हम सब कवर कर पाएंगे यहाँ पर. और कंटेंट जो है, कंटेंट में हम बात करेंगे NCERT बुक्स की. मेन फ्रेंड्स NCERT बुक्स ही हैं. NCERT बुक्स में जो है EVS की जो बुक्स होती हैं वो, प्लस जो SST की बुक्स होती हैं, मेरी दिल्ली, हमारा भारत वगैरह जो है, वो दोनों की दोनों हमें कवर करके जानी है. वैसे तो हमें NCERT पढ़नी ही चाहिए फर्स्ट से लेकर 5th class तक की सभी सब्जेक्ट की, तो और EVS के लिए और ज़्यादा मेन हो जाती है. तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे EVS में. आगे देखते हैं लैंग्वेज. Part 4 and 5 दोनों ही मैंने एक साथ कवर किए हैं क्योंकि कंटेंट तो सेम ही है, लैंग्वेज बस डिफर कर रही है इंग्लिश और हिंदी. तो इसके लिए भी फ्रेंड्स पोजिशन पेपर ऑफ लैंग्वेज हम पढ़ेंगे. LSRW के ऊपर क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो ये भी बहुत मेन चीज़ हो गई LSRW की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो इसकी, इन स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, इनको इवेल्युएट कैसे किया जाता है, इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्ट्रेटजीज क्या होंगी, और TLM के ऊपर बात की जाएगी. लैंग्वेज में आजकल काफ़ी TLM पर भी पूछा जाता है और रेमेडियल टीचिंग. तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इसके पेडागॉजी में कवर. और सेकंड पोर्शन जो कि 15 मार्क्स का आता है वो है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन से मतलब है कि जो भी आपके ग्रामर वाला पोर्शन हो गया वो, प्लस 2 passages आते हैं, एक प्रोज का होता है और एक पोएम होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है. तो ये तो हुआ बात कि पूरा का पूरा जो हमारा क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इन चीज़ों को अब हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा 7 July, तो हमारे पास टाइम है अभी प्रिपेयर करने के लिए. तो इन सारी चीज़ों को हम प्रिपेयर करेंगे और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि हमने कैसे प्रिपेयर किया था एग्ज़ाम के लिए.
तो वही उसी के बेसिस पर हम इसको प्रिपेयर करेंगे. और नेक्स्ट इज, हाँ दिस इज, इसको आप फोन अपना टिल्ट करके देख सकते हैं, व्हाई शुड यू ट्रस्ट अस. तो ये जो हमारा चैनल है स्टेपिंग सक्सेस, इस पे हम दो फ्रेंड्स हैं, ज्योति एंड गजल. तो ये ज्योति का स्कोर कार्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शी गॉट फुल मार्क्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी 30/30, और टोटल उसको मिला था 123. तो हम भी प्रिपेयर करेंगे और हम भी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे. एंड दिस इज़ द स्कोर कार्ड ऑफ मी, एंड आई गॉट 119. तो ये थोड़ा सा कि आपको क्यों ट्रस्ट करें हमें. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.